और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। आज हम एंगुलर एक्सीलरेशन की तरफ चलते हैं। तो एंगुलर एक्सीलरेशन की तरफ चलने के लिए हम सबसे पहले लीनियर एक्सीलरेशन की अगर बात कर लें, तो लीनियर एक्सीलरेशन क्या था? इन द स्ट्रेट पाथ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब किसी भी चेंज स्ट्रेट पाथ में जो वेलोसिटी में चेंज है उसे हम क्या कहते थे? लीनियर एक्सीलरेशन कहते थे। लेकिन आज हम थोड़ी सी बात उससे हटके करेंगे, तो वो तो एक लीनियर पाथ पे चेंज था। अगर हम वही चेंज किस में लाएँ? एक कर्व पाथ में लेकर आएँ, एक रोटेटिंग बॉडी में लेकर आएँ, रोटेटिंग बॉडी की वेलोसिटी में लेकर आएँ चेंज, तो उसके लिए क्या होगा? तो वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखें कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी की बात की थी कि हाउ फास्ट आर स्लो अ बॉडी कवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो तो क्या था हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी थी। अब इसमें क्या है कि उस वेलोसिटी में, उस एंगुलर वेलोसिटी में कितना फास्टली या स्लोली चेंज आता है उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे। हाउ फास्ट, हाउ क्विकली चेंज इन वेलोसिटी, कि कितनी तेज़ी से चेंज आता है उस वेलोसिटी में उसे हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहेंगे। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स कि जो चेंज है वो बढ़ भी सकता है, वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है और वेलोसिटी कम भी हो सकती है। दोनों तरह का चेंज जो है वेलोसिटी में वो एक्सीलरेशन देता है। अब एंगुलर की अगर बात करें, अगर ये चेंज एंगुलर वेलोसिटी में हो, मतलब एक घूमती हुई बॉडी में हो, एक रोटेटिंग बॉडी में हो, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम साइकिल पे बैठते हैं, जब हम पैडल पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तेज़ होती जाती है, बढ़ती जाती है, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ता जाता है। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में कमी आती है, बढ़ती भी, बढ़ भी सकती है वेलोसिटी और कम भी हो सकती है, दोनों सूरतों में एक्सीलरेशन होता है। अगर ये चेंज एंगुलर वेलोसिटी में आए, बढ़े एंगुलर वेलोसिटी या कम हो, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। अगर यही चेंज लीनियर एक्सीलरेशन की बात अगर करें, अगर यही चेंज लीनियर वेलोसिटी में आता है कि लीनियर वेलोसिटी बढ़े या कम हो, ठीक है, जैसे एक फास्ट मूविंग गाड़ी एक ट्रैक पे चल रही है, या ट्रेन की बात ले लें कि जब वो स्टेशन को छोड़ती है तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, जब वो स्टेशन के लिए रुकने के लिए ब्रेक लगाती है तो वेलोसिटी उसकी कम होना शुरू हो जाती है, तो वो एक स्ट्रेट पाथ में होती है, तो वो स्ट्रेट पाथ है में जो चेंजिंग है वेलोसिटी में वो क्या कहलाती है? लीनियर एक्सीलरेशन कहलाती है। अब हम अगर इसकी सिंपली डेफिनेशन करें, जो हम पढ़ते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन, वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या कहलाती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है। तो इसे हम अल्फ़ा से शो करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ओमेगा यहाँ पे क्या है? ओमेगा हमारे पास वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है, और जो डेल है साथ वो हमारे पास उसमें चेंज को शो करता है, और बटा क्या आ गया? टी। अब इसमें देखें कि जो वेलोसिटी है वो वी आई पी पे, उसकी वी ओमेगा आई वेलोसिटी थी, और कुछ वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा एफ होगी। ओमेगा एफ क्या है हमारे पास? उसकी फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब रीजन से, हॉरिजॉन्टल से रेड लाइन तक का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो थीटा था, थीटा वन था, और जो हॉरिजॉन्टल से ब्लैक लाइन तक का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो थीटा टू है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे, हम फाइनल वेलोसिटी में से क्या करते हैं? इन छः को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है वेलोसिटी में, और वो कितने टाइम में आया उसे हम उसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाता है। अब इसमें देखेंगे इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट है, अगर पूछा जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन हैज एस आई यूनिट, आगे कैसे मार्क लगाया जाता है, तो आपने ऑप्शन में से क्या सर्च करना है? रेडियन पर सेकंड स्केयर ही सर्च करना है। उसके अलावा रेवोल्यूशन पर सेकंड स्केयर भी होता है और डिग्री पर सेकंड स्केयर भी होता है। उसके बाद डिमेंशन है हमारे पास, डिमेंशन इसके देखें स्टूडेंट्स के, रेडियन है जो सा उसका कोई डिमेंशन नहीं होती। सेकेंड की डिमेंशन क्या होती है? टी, हमने टी दर्ज किया तो पर टी स्केयर आ गया, ये हमारे पास इसकी स्टूडेंट्स डिमेंशन होगी। अब इसमें देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास, पॉजिटिव भी हो सकते हैं एक्सीलरेशन और नेगेटिव भी हो सकता है।
मतलब एंगल ऑफ एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे हमने लीनियर एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था कि वो भी पॉजिटिव भी होता था और नेगेटिव भी होता था। तो ये भी एंगल ऑफ एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो पी से ये पी वन तक की अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज जो है वो स्लोली आता है, या हम यूँ भी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं कि जब हमने साइकिल के टायर को चलाना शुरू किया पैडल के ज़रिए, तो वो हमारे पास जैसे जैसे हम उसे फोर्स ज़्यादा लगाते जाते पैडल पर, उसके एंगुलर चक्के के जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो उस वक्त उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे कि उसकी वेलोसिटी को कम कर, मतलब जैसे ही हम रुकने के लिए उसकी वेलोसिटी मतलब ब्रेक दबाएंगे, तो ब्रेक दबाने से उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, मतलब चक्के की एंगुलर वेलोसिटी है जो सी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त एक्सीलरेशन उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में कंसेप्ट था। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन से मुराद ये है कि एक्सीलरेशन किसी भी बॉडी का, लेकिन एट एनी इंस्टेंट, मतलब वो इंस्टेंट है जोन सा वो अप्रोचिंग टू क्या हो, जीरो हो, तो उस वक्त की एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये जो ओमेगा आई और ओमेगा एफ के दरमियान टाइम ड्यूरेशन है, इसे हम मिनिमाइज कर सके कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो अप्रोचिंग टू जीरो हो, तो उस वक्त का एक्सीलरेशन क्या होगा, हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। शुक्रिया।